मैक्सिमम बच्चे इस समय 11th क्लास का पेपर दे चुके हैं, फ्री टहल रहे हैं इधर उधर। उनके लिए छोटी सी एक बात कि आपका क्लास 12th का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में आप अभी से ही डिवाइड कर लो। एक पार्ट वन हमारे हिसाब से ये रहेगा और पार्ट टू इसको बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। पूरा सिलेबस अगर आप दो हिस्से में डिवाइड कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला हिस्सा इसलिए और ये दूसरा हिस्सा इसलिए क्योंकि साल भर आपको दूसरे हिस्से की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है और पहले वाले हिस्से की प्रैक्टिस बहुत कम करनी है। अब पहले वाले हिस्से में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर अलजेब्रा, थ्री डायमेंशनल, इसमें आप लाइंस पढ़ोगे और इसके बाद है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चीज क्या है? इधर आप पढ़ोगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट्स इसलिए क्योंकि कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। अगला है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। सबसे खतरनाक चैप्टर यही है आपका, सबसे ज्यादा खतरनाक चैप्टर आपका यही है इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर आपका क्लिक, फिर जो है आपका एओआई आएगा और फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो ये जो कैलकुलस वाला हिस्सा है ना, ये केवल केवल 34 मार्क्स का है और बाकी बचा हुआ हिस्सा ना 46 मार्क्स का है 80 में। टोटल ये जो आपका पार्ट है टोटल 80 नंबर की चीजें होने वाली है आपके पास, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स की ये चीजें हैं, 80 नंबर की। टोटल कितने नंबर का है? 80 नंबर का। कायदे से आप लोग स्टार्ट करिए, टू कॉपीज बनाइए एक बार आपको क्या करना है, पेयर वर्क करना है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज की वाइक्यू करते जाइए। बाकी सीबीएसई से ये भी भरोसा करिए कि सीबीएसई से साल भर भगवान की भी हाथ जुड़ेगी, प्रभु इस बार हमारा 12th है, 2024 और 25 में पेपर आसान बनवा दो, 2023 और 24 वालों की तरह टफ पेपर ना बनाना हमारा, ठीक है।